हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी आ रही है एक दिक्कत जिसमें आपके पास है कोई भी सिम कार्ड, चाहे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, और आपकी सिम काम नहीं कर रही है। फिलहाल तो वो काम कर रही थी, पर कुछ दिन से यह अचानक दिक्कत आ गई है। तो मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले टिप्स है कि आप अपना जो फ़ोन है उसे एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लीजिए। शायद इसके बाद आपकी जो दिक्कत है ठीक हो जाएगी और आपकी सिम काम करने लगेगी। अगर तब भी नहीं होता है तो शायद दूसरा तरीका काम करेगा। इस तरीके में आपका जो सिम है उसे निकाल करके दोबारा लगा लीजिए सही से। अगर आपको सिम सही से लगानी नहीं आती है तो आपको इंटरनेट पर जाना है या यूट्यूब पर जाइए किसी और के मोबाइल से, और अपने मोबाइल का मॉडल नंबर वगैरह डालिए और सिम इंसर्ट लिखिए। वो आपको बता देगा कि आपके मोबाइल में सिम किस तरीके से लगाई जाती है। तो सही से सिम लगा लीजिए। अगर इससे काम नहीं बनता है तो कभी कभार मैं बताता हूँ ये तीसरा तरीका है। इस तरीके में आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे सिग्नल को रोक दिया जाता है, वहाँ पे कोई भी कॉलिंग आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। अभी फिलहाल 2020 में फरवरी में ऐसा हुआ था कि कई लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो यही दिक्कत थी उनके साथ। पर अगर इससे काम नहीं बनता है तो लास्ट तरीका बचा है। इस तरीके में आप अपने जो सिम है उसको स्वैप करा सकते हैं, उसको चेक करा सकते हैं कहीं बाहर रिटेल शॉप पे या कहीं जाकर। अगर आपके पास आइडिया की सिम है तो आइडिया हब में जाइए यानी आइडिया स्टोर पर जाइए और उसे बताइए कि हमारी सिम वर्क नहीं कर रही है। शायद इसके बाद आपकी जो सिम है काम करने लग जाएगी। पर अगर तब भी काम नहीं करती है आपके फ़ोन में, तो शायद आपका जो सिम है यानी सिम स्लॉट जहाँ पे आप सिम लगा रहे हैं वो ख़राब हो गया हो। तो अपने आपके पास जो सिम है उस सिम को किसी और फ़ोन में लगा के देखिए। तो आप इन पांचों तरीके में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।